एक बार एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स आए थे, एक ब्रोकर्स मीट थी, बहुत सारे एजेंट्स आए थे। तो उसमें जो स्पीकर था, वो स्पीकर कहता है, रियल एस्टेट का बिजनेस लीड जनरेशन का बिजनेस है। जी हाँ, गौर से सुनिएगा, रियल एस्टेट का बिजनेस लीड जनरेशन का बिजनेस है। सामने बैठे कई सारे ब्रोकर्स में से एक ब्रोकर ने पूछ लिया, आप कैसे कह सकते हैं ये एक लीड जनरेशन का बिजनेस है, ये तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये तो प्रॉपर्टी बेचने का बिजनेस है, ये लीड जनरेशन का बिजनेस कैसे हुआ, आप इसको डिफाइन कीजिए। तो उन्होंने कहा, आपके पास जिस दिन लीड आनी बंद हो जाएगी ना, उस दिन आपका रियल एस्टेट बिजनेस भी ठप पड़ जाएगा। और ये सच्चाई है, आपकी लीड जनरेशन आपके बिजनेस का सोल है। आप पे जब तक लीड्स आएंगी तब तक आप पॉजिटिव रहोगे। जिस दिन आपके पास लीड आना बंद हो जाएगी, आपका बिजनेस किसी काम का नहीं है। कोई भी बिजनेस उठा के ले लो आप, नॉट ओनली जस्ट रियल एस्टेट, एवरी बिजनेस इज बेस्ड ऑन लीड्स, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स। आपके पास बायर्स नहीं, आपके पास क्वेरीज नहीं है, तो आप कहाँ से प्रॉपर्टी का बिजनेस करोगे? और आपको लीड दोनों के लिए, दोनों ही केस में चाहिए, आपको सेलर लीड भी चाहिए और बायर लीड भी चाहिए। दोनों की आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की आपके पास कमी है तो आपको ये बिजनेस करने में डिफिकल्टी होगी। ज्यादातर लोगों को क्यों प्रॉब्लम आती है रियल एस्टेट बिजनेस करने में? क्योंकि उनके पास लीड्स नहीं होते। लीड्स के लिए लोग बहुत खर्चा करते हैं, कोई लोग जस्ट डायल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग 99 एकर में पैकेजेस लेते हैं, मैजिक ब्रिक में पैकेजेस लेते हैं, housing.com में लेते हैं, अलग अलग पोर्टल्स में लेते हैं, कई लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हैं, जैसे हम लोग अपने लिए ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं, खुद के लिए एड्स भी रन करते हैं, दोनों ही सोर्स हम यूज़ करते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, गूगल भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, लिंक्डइन भी यूज़ करते हैं, हर जो भी प्लेटफॉर्म है हम सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लीड जनरेशन के लिए। तो नेगेटिव इंसान कब होता है, कोई भी ब्रोकर नेगेटिव कब होता है? जब उसके पास लीड्स नहीं आती। सो लीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आप इस तरह से अपने लिस्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस तरह से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि आपके पास लीड्स की कमी ना हो। लीड्स आपके पास कंटिन्यूस आते रहना चाहिए ताकि आप कभी नेगेटिव महसूस ना करें अगर इवन इफ आपकी डील नहीं हो पा रही है शुरुआती टाइम में। इसलिए लीड्स का फ्लो बना के रखिए, कंटिन्यूस लीड आती रहे तो आपका बिजनेस सस्टेन करेगा और आप भी पॉजिटिव महसूस करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लीड जनरेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आज से ध्यान देना चालू कर दीजिए, क्योंकि लीड जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियल एस्टेट लीड जनरेशन के बिना अधूरा है। God bless you all.